जय हिंद दोस्तों। किसी भी देश की सुरक्षा उस देश की आर्मी के ऊपर निर्भर करती है, मगर दोस्तों इस वीडियो में हम किसी भी देश की सेना की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके सेना प्रमुख की बात करेंगे कि क्यों किसी भी देश के सेना प्रमुख के हाथों में बंदूक के बजाय छड़ी यानी स्टिक रहती है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि सेना के बड़े अधिकारियों के हाथ में एक छोटी सी छड़ी होती है। कुछ लोग इसे बेत कहते हैं तो कुछ लोग इसे स्वेगर स्टिक भी कहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस छड़ी के साथ रखने से होता क्या है, इसका मतलब क्या है या फिर ये कोई हथियार है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सेना के जनरल साहब जब कभी भी किसी परेड में जाते हैं तो वो पूरी शानो शौकत वाली यूनिफॉर्म, साथ में कंधे पर सितारे और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और सीने पर ढेर सारे मेडल, लेकिन हाथ में एक छोटी सी छड़ी होती है। आज का ये वीडियो इस छड़ी के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। जब बात सेना की अधिकारी की होती है तो हमारे दिमाग में हथियार का इमेज बनता है, लेकिन इतने बड़े सेना के जनरल साहब के हाथ में एक छोटी सी छड़ी, ये एक सोचने का विषय है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ये छोटी सी लकड़ी की बेत, जिसे पेंट करके या फिर उसके ऊपर लेदर चढ़ाकर दोनों तरफ से धातु की केप लगाई जाती है, इसको स्वेगर स्टिक कहा जाता है। ये स्वेगर स्टिक सेना के बड़े अधिकारी या बड़े पुलिस अधिकारी लेकर चलते हैं। दोस्तों ये स्वेगर स्टिक उस अधिकारी के पास रहता है जिसके पास स्पेशल अथॉरिटी हो, मतलब कि ऐसा अधिकारी जो प्लानिंग और मैनेजमेंट करने की क्षमता रखता हो, और साथ ही साथ उस अधिकारी के पास सेना का एक बड़ा हिस्सा संचालित करने का अधिकार भी हो। दोस्तों स्वेगर स्टिक की शुरुआत सबसे पहले रोम साम्राज्य से हुई थी। उस समय रोमन सेना के वाइन स्टाफ के हाथ में ये छड़ी होती थी, लेकिन इसे आधुनिक पहचान मिली प्रथम विश्व युद्ध में, जब ब्रिटिश सेना के बड़े अधिकारी ड्यूटी पर नहीं होते थे, तब वो अपने साथ इस स्टिक को लेकर चलते थे। इन स्टिक्स के ऊपर रेजिमेंट का निशान बना होता था, जिससे दो चीजें पता चलती थी, पहली कि ये सेना प्रमुख किस रेजिमेंट के हैं और दूसरी कि ये सेना अधिकारी किसी बड़े पद पर विराजमान हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना और अन्य कॉमनवेल्थ देशों के कमीशन सैन्य अधिकारी, खासतौर से इन्फेंट्री रेजिमेंट के प्रमुख स्वेगर लेकर चलते थे। इसी तरह ये प्रथा चलती आई है और अभी तक चल रही है। अलग अलग रेजिमेंट के अलग अलग स्टिक होते हैं। भारतीय सेना में ये स्वेगर स्टिक यूनिफॉर्म का ही एक हिस्सा माना जाता है। दोस्तों मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि ये स्वेगर स्टिक किसी भी प्रकार का हथियार नहीं है, ये एक यूनिफॉर्म का हिस्सा है और इससे पता चलता है कि फला इंसान बड़ा अधिकारी है, इसके पास कुछ बड़े अधिकार हैं और आप इस स्टिक के जरिए रेजिमेंट का भी पता लगा सकते हैं। बहुत से लोग इस स्टिक को किसी तरह का हथियार समझते हैं, लेकिन असलियत में ये कोई हथियार नहीं है। दोस्तों जब एक बड़े सैन्य अधिकारी की रिटायरमेंट होती है तो वो अपने स्वेगर स्टिक को अगले अधिकारी को देकर जाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने अधिकार आपको देता हूँ। इससे ज्यादा जानकारी स्वेगर स्टिक के बारे में आपको और हमारे कुछ ज्यादा काम नहीं आएगी। फिर भी आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि इस स्वेगर स्टिक का इस्तेमाल इंडियन आर्मी के किस रैंक के अधिकारी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस स्वेगर स्टिक का इस्तेमाल हर वो सेना का अधिकारी कर सकता है जिसके पास किसी तरह का विशेष अधिकार हो, जैसे मेजर रैंक के अधिकारी, आर्मी के हॉर्स राइडर, कैप्टन, CO, इंस्ट्रक्टर, ये सारे अधिकारी स्वेगर स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। बट सबके अलग अलग स्वेगर स्टिक होते हैं। तो दोस्तों ये थी स्वेगर स्टिक की कहानी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए नॉलेजफुल रही होगी। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपको दिल से धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।